खबर जनपद बाराबंकी से है, जहां पर प्रतिभाशाली छात्रा स्वर्गीय कुमारी शालिनी शुक्ला की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप रहे। आपको बता दें कि शालिनी सेवा स्मारक संस्थान के अध्यक्ष केपी शुक्ल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने कहा कि स्वर्गीय शालिनी शुक्ला एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। उनकी याद में बीते 21 वर्षों से मरीजों को फल वितरित करना व जरूरतमंदों को मदद करने का पुनीत कार्य संस्था की ओर से किया जाना सराहनीय कदम है। समाजवादी पार्टी भी हमेशा से प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रोत्साहित करती रही है। विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजी वर्मा ने कहा कि इस पुनीत कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। CMS डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सराहनीय हैं। इस मौके पर 2 मिनट का भी मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित कई जगहों पर जरूरतमंदों को फल व बिस्किट वितरित किया गया। इस मौके पर रक्तकोष प्रभारी डॉक्टर SK शुक्ल, ज्ञान सिंह यादव, ताज बाबा राइन, चरणजीत गावा, राजेंद्र सिंह गुड्डू, राजकुमार जैन, मनोज जायसवाल, हसमत अली गुड्डू, सुशील गुप्ता, कपिल जायसवाल, जुनेद अंसारी, सरदार चरणजीत सिंह, राजेश वासु, सुरेंद्र प्रताप सिंह, मोनू सिंह, ब्रजेश सिंह, अरुण गुप्ता, सुरेंद्र वर्मा, संजय वर्मा, रवि नाग, संजय अरोड़ा, धर्मेंद्र पुरी, राजकुमार जैन, रमाकांत मिश्रा, दिलीप श्रीवास्तव, प्रबोध वर्मा, संजय शुक्ल, पुट्टनलाल मिश्रा, प्रद्युम्न यादव, अजय सिंह, शिवम शुक्ल, विशाल गुप्ता, अतुल दिवाकर, असीर खिदवई, चंद्रकांत मौर्य, अमित पांडे, राजकुमार, विकास शुक्ल, विनय वर्मा, राजू, अजीत झा, मनमीत सिंह, सोनू, अतुल वर्मा, संजय यादव, वीरेंद्र यादव सहित काफ़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ए न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता की रिपोर्ट, बाराबंकी।